అస్సలం నమస్తే హాయ్ ఎబ్రివాన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై చానల్ సెవెన్ సెవెంటీ సిక్స్ టుడే వి ఆర్ గోయింగ్ టు రీడ్ అండ్ లర్న్ ద లెసన్ తుమ్ కబ్జా ఓగే అతిథి ఫ్రమ్ ద బుక్స్ పర్ష్ నైన్త్ స్టాండర్డ్ సిబిఎస్ఈ సిలబస్ ప్రోస్ లెసన్ నంబర్ త్రీ తుమ్ కబ్జా ఓగే అతిథి రీటన్ మై ద గ్రేట్ సెటరిస్ శరత్ జోషిజీ బిఫోర్ గున్ సీ ద వెరీ హ్యూమరస్ వెరీ సెటరికల్ హార్ట్ టచింగ్ స్టోరీ తుమ్ కబ్జా ఓగే అతిథి

पॉपिंग वॉन्डरिंग इन माई माइंड वेन विल यू गो माई गेस्ट तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है राइट फ्रॉम द प्लेस वेर आर सीटिंग एंड माइंडलेसली ब्लोइंग सिगरेट स्मोक देर इज ए कैलेंडर देख रहे हो है ना? आई थिंक यू आर वॉचिंग यू आर ऑल्सो वॉचिंग राइट उसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती है इट्स डेट्स फ्लटर मीकली इन इट्स लिमिट्स विगत दो दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूं फॉर द लास्ट टू डेज आई हैव बीन चेंजिंग द डेट्स बाय शोइंग यू तुम जानते हो यू नो इट अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है suppose if you know how to calculate the dates this is the fourth day of your arrival तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन है this is the fourth heavy day of your hospitality पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती but it seems no possibility of yours going back लाखों में लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों ऑस्टनर्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो आफ्टर ट्रैवलिंग मिलियंस ऑफ माइल्स ए टू ऑस्टनर्स डिड नॉट स्टे ऑन द मून एज लैंग एज यू स्टेट इन मई होम आफ्टर ट्रैवलिंग ए शॉर्ट जर्नी तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके यू हैव इमप्रिंटेड यूअर लोटस लाइक फीट ऑन माई ग्राउंड तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैजनी चट्टान देख ली यू हैव सीन द बाउंड्रीज ऑफ माई इकोनॉमिक यू वन हैव सीन माई इकोनॉमिकल बाउंड्रीज तुम मेरी काफी मिट्टी खो चुके डग इनफ स्वाई ऑफ माइंड आप तुम लौट जाओ नाउ यू गो बैक गेस्ट तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू गो बैक हाई टाइम क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती वाट यूर नेटिव प्लेस यूर लैंड विल नॉट कॉल यू बैक उस दिन जब तुम आए थे मेरा हृदय किसी अगात आकांश आशंका से धड़क उठा था द डे वेन यू केम माई हार्ट स्टार्टड बीटिंग विथ अनोन अप्रहेंशन अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटवा का गया डीप इनसाइट मई वैलेट ट्रेम्बल्ड उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैंने मैं तुमसे गले मिला था डिस्पाइट आई हैव हगड़ी विथ स्माइलिंग फेस और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी अन मई वाइफ ग्रीटेड विथ full ऑफ रिगार्ड्स यू तुम्हारे साथ सम्मान में वो अतिथि हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था आनवर हॉस्पिटलिटी वो गेस्ट ऑल ऑफिसरन अनएक्सपेक्टेडली वी हाव चेंज आवर नॉर्मल डिनर टू हायर मिडिल क्लास डिनर तुम्हें स्मरण हो होगा कि दो सब्जियों और रायता के अलावा हमने मीठा भी बनाया था

छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे देर वॉज ए होप दैट द वेरी नेक्स्ट डे इट सेल्फ यू विल गो बाय सम ट्राइन विथ इम्प्रेशन ऑफ ए वंडरफुल हॉस्पिटलिटी इन अवर हार्ट हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे वी विल रिक्वेस्ट यू टू स्टे बैक

सम होव कंट्रोल्ड अवर इमोशंस वी हैव ट्रीटेड यू विदाइलिंग फेस स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे वहां से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया कमिंग डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ द हॉस्पिटालिटी वेर वी हैव टेकन यू वेर वी हैव वेलकम टू यू अगेन वी हैव अरेन्ज लंचन टू यू सिनेमा थिएटर टू शो यू मूवी इन द नाइट हमारे सत्कार का यह आखिरी शोर था दर वॉज अ लास्ट एंड ऑफ आवर हॉस्पिटलिटी जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े बियॉन्ड दिस बी डि नॉट मूव फॉरवर्ड फॉर एनी वन टिल टू द डेट इसके तुरंत बाद भाग बेनी विदाई का वहां भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था इमिडिएटली द वेट इमोशनल मोमेंट ऑफ डिपॉचरिंग चूढ़ा कम जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते बेनू से गुड बाई टू अस ड ऑफ यू एट द रेल स्टेशन पर तुमने ऐसा नहीं किया बट यू है डन लाइक दिस तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा ऑन द थर्ड डे ऑफ यूर अरेवल यू टोल्ड टू मी मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ आई वॉन्टेड टू गिव द क्लोज टू द वॉशर मैन यह आगात अप्रत्याशित था और इसका चोट मार्मिक था

आई डोंट होव आइडिया दैट एवर टाइम ऑफ स्टे विल बी स्ट्रेस्ट लाइक दिस इसका मुझे अनमानना था आई डोंट होव दैट आइडिया पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता फर्स्ट टाइम आई रियलाइज दैट ऑलवेज गेस्ट विल नॉट बी ए गॉड कैन नॉट बी ए गॉड वहाँ मानो और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है

कहाँ है लैंड्री वेर इज द लैंड्री आस्कर द गेस्ट चलो चलते हैं मैंने कहा और अपनी सहज अपने सहज बनियान अपने औपचारिक कुर्ता डालने लगा आई टोल ओके लेट्स गो टेलिंग दिस वर्ड्स आई स्टार्ट बेरिंग ए नॉर्मल शर्ट ऑन मे बनियन बाय द टाइम कहाँ जा रहे हैं पत्नी ने पूछा बाय द टाइम माई वाइफ आस्क मी वेर आर यू गोइंग इनके कपड़े लैंड्री पर देने हैं मैंने कहा आई रिप्लाइड हिज क्लोथ टू बी गिवन टू ए लैंड्री मेरी पत्नी की आंखें एक बड़ी हो गई माय वाइफ्स आईस आर बिकेम आलापे सडन बिग आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपनी अकेलापन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था सम इयर्स ए गो सींग दिस बिग आइस ओनली आम एंडेड द जर्नी ऑफ माई बैचल लाइफ अनमेरिड हर पर अब जब वे ही आँखें बड़े होते ही तो मन छोटा होने लगता है बट ना वेन दीज आइस गेटिंग बिगर माई हार्ट स्टार्स गेटिंग स्मॉलर वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों ठहरेगा नाउ दि जयसर बिकेम बिगर ड्यू टू फेयर ऑफ द गेस्ट विल स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द होम और आशंका निर्मूल नहीं थी अन अप्रहेंशन वॉज नॉट अनफाउंडेड द फेयर वॉज नॉट बेसलेस माई डियर गेस्ट तुम जा नहीं रहे यू आर नॉट गोइंग एट ऑल लैंड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यही हो द क्लोज गिवन टू द गिवन इन द लैंड्री गॉट बैक स्टिल यू आर हियर इड सेल्फ तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटें पड़ी चादर बदली जा चुकी और तुम यही हो द ड्रेस रिंकल ड्रेस हैेंज फ्रॉम यूर प्लम्प बॉडी स्टिल यूर हेयर एड सेल्फ तुम्हें देख कर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर कर अब लुप्त हो गई है द स्माइल दट ईज टू बर्स्ट आउट सीइंग यू नाव स्लोली स्लोली फेडेड एंड डिजेपेड एंड टोटली डिजेपेड नाओ ताकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते द साउंड्स ऑफ द बैलेंस ऑफ कॉन्वर्जेशन विच विच हैव बीन फ्लाइंग इन द स्काई ऑफ माई रूम टिल टिले बट नाउ डिजापेड नॉट एट ऑल विजिबल बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनलों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है द बाउंसिंग बॉल ऑफ कॉन्वर्जेशन हेड बाउंस इन ऑल द डिस्कसिंग एरियाज एंड केम बैक इन द सेंटर रिमाइंड साइलेंट अब इसे ना तुम हिला रहे हो ना मैं अब बट नाओदर यू आर मी इनिशिंग एनीथिंग कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो सिंसेस टे अहबिन रीडिंग फिक्शन नावल एंड यू आर टर्निंग द पेजेस ऑफ फिल्म मैगजीन शब्दों का लेन देन मिट गया है इंट्रैक्शन टोटली स्टॉप्ड और चर्चा के विषय चुप हो गए अंडर डिस मैटर ऑफ डिस्कशंस आल्सो रिमाइंड जीरो परिवार बच्चे नौकरी फिल्म राजनीति रिश्तेदारी तबादले पुराने दोस्त परिवार नियोजन महंगाई साहित्य और ये यहाँ तक कि आंख मार कर मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया और अब एक चुप्पी है वे डिस्कस ऑल द मैटर्स ऑल द टॉपिक्स फैमिली चिल्ड्रन जॉब फिल्म्स पार्टीज रिलेटिव्स ट्रांसफर ओल्ड फ्रेंड्स फैमिली प्लानिंग इन्फ्लेशन लिटरेचर इवन विंगिंग अवर आइस टाकड अबाउट आवर गर्ल फ्रेंड्स एवरी थिंग वी हैव डिस्कसड मेनी एवरीथिंग देर वॉज नो टॉपिक अनडिसकस्ड नाउ देर देर इज नो टॉपिक टू डिस्कस टू टॉक सो वी रिमाइंड बोत ऑफ वी रिमेन्ड साइलेंट सो हद अब शनि शनि बोरियत में रूपांतरित हो रहा है नाउ थिंग्स आर चेंजिंग नाउ द इंटरेस्ट बिकमिंग बोर्डम भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रहे हैं नाउ द फीलिंग्स चेंजिंग इन टू रिब्यूक्स पर तुम जा नहीं रहे येट यू आर नॉट गोइंग एट ऑल किस आदृश गोद से तुम्हारा व्यक्तित्व तो यहाँ चिपका गया है वॉट ब्लू uh, स्टे हज हेयर मैं इस भेद को सब परिवार नहीं समझ पा रहा हूँ बट आई कूडंट अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस एट ऑल बार बार यह हाँ प्रश्न उठ रहा है तुम कब जाओगे अतिथि अगेन एंड अगेन आई ए क्वेश्चन पॉपिंग द माइंड वेन विल यू यू माई गेस्ट कल पत्नी ने धीरे से पूछा था कब तक ठहरेंगे ये एस्टरडे माई वाइफ स्लोली आस्कर में

द व्पनेस ऑफ द हॉस्पिटैलिटी स्लोली गेटिंग एंडेड डिनर से चले थे खिचड़ी पर आ गए स्टार्ट विथ द डिनर एंड डिस टू ए खिचड़ी अब भी अगर तुम ईवेन नाउ स्टिल अगर तुम अपने बिस्तर को गोला कर रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना होगा इफ यू डोंट फोल्डर बेड एंड गो ऑफ हेल्पलेसली वी हैव टू गो दैट एक्सटेंट ऑफ फास्टिंग तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं यूवर रिलेशनशिप विथ मी गोइंग थ्रू ए फेस ऑफ ट्रांसिशन तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है तुम जाओ ना अतिथि

नाइस nice. अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते इफ़ इट इज़ पॉसिबल ऑल द पीपल विल स्टे इन अदर होम ओनली पर ऐसा नहीं हो सकता बट इट इट के नॉट बी हैपन लाइक दट आपने अपने घर ही की महत्ता के गीत इसी कारण गाए जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली द इम्पोर्टेंस ऑफ द होम विल बी संग होम को इसी कारण स्वीट होम कहा जा कहा गया है दिस इज द रीज़न वाई द पीपल कार द होम स्वीट होम लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़े एंड पीपल शुड नॉट ड्रश टू कर द स्वीटनेस ऑफ द अदर पीपल्स होम यहाँ तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है पर सोचो पिए कि शराफत भी कोई चीज़ होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है ऑफ कोर्स इट इज़ इट लुक्स गुड टू स्टे इन अदर सम बट थिंक माई डियर देर इज एर इज देर इज ए थिंग ऑफ डिसेंसी एंड देर इज सेंटेंस गेट आउट कैन बी स्पोकन आपने खुराटों से एक और रात गुजारमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद पांचवें सूर्य की परिचित किरण होगी आफ्टर यूवर स्नोरिंग स्लीप ऑफ द नाइट द नेक्स्ट डे मॉर्निंग डॉन वेलकम यू विथ किस आई मीन बीस रेसिस ऑफ द सन वेलकम यू विथ द किस वह तुम्हें चूमेगी और तुम्हें घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लेंगे ऑफकोर्स द रेस ऑफ द सन किस यू एंड यू विल टेक द फाइनल डिसीजन टू गो बैक मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी

आखिर मैं भी मनुष्य हूँ बट अफकोर्स आई एम ऑल्सो नॉर्मल ह्यूमन बींग मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं आई एम नॉट लाइक यू जस्ट गॉड एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते ए मैन अंड ए गॉड कैनॉट सस्टेन इन वन प्लेस कैनाट स्टे इन वन प्लेस देवता दर्शन देकर लौट जाता है द गॉड गोस बैक सुन आफ्टर गिविंग हीज प्रेजेंस तुम लौट जाओ आती थी टू जस्ट लाइक ए ए गुड डिवाइनली गॉड गो बैक इसी में तुम्हारी दाइबत् सुरक्षित रहेगी इन दिस ओनली यूर डिवाइनिटी विल बी सिक्योर्ड यह मनुष्य अपने वाले पर उतरे उसके पूर्व तुम लौट जाओ द मैन मैन कम डाउन टू हिज ब्रूटली बिहेवियर प्लीज गो ऑफ उफ तुम कब जाओगे दी ओ वेन विल गो माइ गेस्ट दैट इज अ ब्यूटिफुल ह्यूमरस सैटरिकल स्टोरी रिटन बाय द ग्रेट सेटरी शरद जोशी सपोज इफ इफ्फर सैटिसफ इफ डोंट फॉरगेट सस्किन मैं चैनल क्लिक द दिन प्रेस द बेल आइकन शेयर द फ्रेंड्स एंड रिलेटिव टिल दप लो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ हैव अ नाइस डे बाय बाय जय हिंद अल्लाह हाफिज़